तो दोस्तों मैं हूँ आपका फ्रॉम लेकिन नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है हीरो करिश्मा XMR की, मैं बात करता हूँ। तो आज दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई ये जो बाइक है ये हो चुकी है लॉन्च, तो देखते हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आई है जिसकी वजह से भाई अब आपको इस बाइक को परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो आपको 210cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल BA6 F5 वाला आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी दोस्तों आपको 24 BHP की पावर निकाल के देगी, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकाल के देगी वो निकाल के देगी 20 Nm का टॉर्क आपको ये बाइक जो है वो निकाल के देगी। ओवरऑल अगर मैं इस बाइक के लुक के बारे में बात करूँ तो दोस्तों लुक आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पर्सनली देखो जैसे मेरे से पूछा जाए तो अगर मैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन जो तीन जनरेशन आई थी उसमें मुझे तो भाई पर्सनली सेकंड जनरेशन का लुक बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, बहुत अट्रैक्टिव लुक लगा था मेरे को। लेकिन भाई अब का जो लुक है, देखो लुक आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि लुक इसको कैसा लगता है। अगर मैं बात करूँ तो लुक के बारे में तो लुक मुझे इसका अच्छा लगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड और अब ये फोर्थ जनरेशन आ रही है, तो भाई इस हिसाब से मुझे आज के टाइम के हिसाब से 2023 के हिसाब से भाई आज का लुक भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको 6 स्पीड का गियरबॉक्स मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा करा इस बार हीरो ने कि भाई 6 स्पीड गियरबॉक्स जो दिया ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। वहीं पे अगर मैं बात कर लूँ तो इस बाइक के अंदर आपको जो माइलेज मिलेगी, तो देखो हीरो की बाइक है तो भाई माइलेज तो आपको थोड़ी सी अच्छी खासी मिल जाएगी इसके अंदर, तो माइलेज जो आपको आराम से मिल जाएगी आराम से आपको 40 के समथिंग का माइलेज निकाल के दे देगी ये बाइक। लेकिन डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरीके से बाइक को राइड करते हो। अच्छे तरीके से राइड करोगे तो भाई कम ज़्यादा माइलेज देगी, और कम बेकार तरीके से राइड करोगे तो रफ एंड टफ चलाओगे तो फिर भाई माइलेज तो आपको कहाँ ही मिलने वाला है। वहीं पर अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो इस बाइक के अंदर आपको जो इनविटेशन, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इनविटेशन का बहुत ज़्यादा सेक्सी, बहुत प्यारा इनविटेशन इन लोगों ने दिया था, तो वैसे ही सेम आपको इसके अंदर मीटर कंसोल मिल जाएगा। तो मीटर कंसोल के अंदर क्या क्या चीज़ें इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 ऑडियो मीटर मिल जाएगा, RPM मीटर मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी जो लगी वो लगी कि इस मीटर का, इस बाइक के जो मीटर है उस मीटर का जो साइज़ है भाई, मुझे साइज़ बहुत अच्छा लगा। कुल मिला के एक ऐसा लग रहा है जैसे कि एक टैबलेट होता है ना, वैसे टैबलेट एक लगा दिया, और भाई मीटर के मामले में तो भाई बेस्ट ही इसके अंदर है। वहीं पे इसके अंदर मीटर कंसोल आपको TFT डिस्प्ले वाला मीटर मिल जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको माइलेज भी बता देगी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि आज के टाइम पर भाई ऐसी बाइक जो भी बंदा लेता है, यार देखो सीधी बात है मैंने भी अपनी बाइक इसलिए ली क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी थी, इस वजह से ली है। और इस बाइक के अंदर आपको देखो TFT डिस्प्ले के हिसाब से ब्लूटूथ का जो मैप होगा ना, वो आपको मीटर में जो जिस तरीके से दिखाई देगा वो आपको एक नंबर लगने वाला है। वहाँ पर आपको मज़ा भी आ जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, इसके अंदर कॉल अलर्ट भी आपको मिल जाएगा, कॉल के बारे में बता देगी आपको, मैसेज बता देगी, मेल बता देगी, व्हाट्सएप मैसेज आएगा, या फिर इट मींस जो जो फोन के अंदर आपके नोटिफिकेशन है ना, वो सारी नोटिफिकेशन ये जो मीटर है ये आपको आराम से बता देगा। वहीं पे अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो इसके अंदर आपको दोस्तों माइलेज भी बता देगी जो बाइक आपको कितने का माइलेज दे रही है। और सस्पेंशन की बात करें जो तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे, और रियल में आपको मोनोशोक सस्पेंशन मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा कि यार अब USD का जमाना, थोड़ा USD आ जाता तो मज़ा आ जाता, लेकिन देखो यार तुम्हें पता है हीरो क्या करता है भाई, एक ऐसी बाइक बनाने की कोशिश करते हैं जो उसका प्राइस, क्योंकि प्राइस को काफ़ी ज़्यादा देख के हीरो अपनी बाइक को मैन्युफैक्चर करता है, तो यार USD आ जाएगा तो बाइक का प्राइस थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको प्राइस के बारे में बताऊंगा तो आप भी कहने वाले हो कि भाई प्राइस एक नंबर रखा गया है इस बाइक के हिसाब से, जो जिस हिसाब से ये बाइक है ना भाई, बाइक के हिसाब से आपको प्राइस मिल रहा है। लेकिन ये बस यहाँ USD का मुझे थोड़ा सा लगा कि USD सस्पेंशन आ जाती तो मज़ा आ जाता, लेकिन क्या पता इन फ्यूचर में अपडेट कर दे तो USD सस्पेंशन भी आपको इस बाइक के अंदर मिल जाएगा। वैसे सस्पेंशन यार हीरो के काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, पर्सनली मैं भी हीरो की ग्लैमर चलाता हूँ तो यार सस्पेंशन में नो डाउट है सस्पेंशन के बहुत ज़्यादा अच्छे आपको मिलेंगे। वहीं पर अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको स्प्लिट सीट मिलेगी, यानी फ्रंट की हाफ मिलेगी और रियर की हाफ मिलेगी, मतलब स्प्लिट सीट आपको इस बाइक में मिल जाएगी। वहीं पे अब आ गए इस बाइक का टेल सेशन, तो देखो यार टेल सेशन मेरे को बहुत प्यारा लगा, जेन्युइनली बोलो टेल सेशन जो मेरे को लगा ना भाई, और भी बाइक्स आती है लेकिन जिसके हिसाब से मेरे को आज के टाइम पे इसका टेल सेशन लगा ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने हीरो की एक्सट्रीम 160R भी देखी होगी, उसके अभी टेल लाइट इतनी प्यारी बना रखी है, इस तरीके से बना रखी है मतलब कि लगता नहीं है कि उसमें अलग तरीके से रैप वगैरह कुछ करा रखा है, लेकिन भाई लुक के मामले में टेल लाइट इसकी एक नंबर आपको मिलने वाली है। यहीं पे एक और गुड न्यूज़ है भाई साहब, इसके अंदर आपको जो इंडिकेटर मिलने वाले हैं, इंडिकेटर आपको फुली LED इंडिकेटर मिल जाएंगे, ये भी मैं बता देता हूँ। जो आपको एक्सट्रीम के अंदर इंडिकेटर मिलते हैं वही सेम इंडिकेटर आपको इस बाइक में मिल जाएंगे, इंडिकेटर में भी नो डाउट एक नंबर इंडिकेटर आपको इस बाइक के अंदर मिलने वाले हैं। और फ्रंट की हेडलाइट की अगर मैं बात करूँ तो देखो ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा प्यारी मिलने वाली है, ब्राइटनेस आपको बहुत ज़्यादा प्यारी मिलने वाली है।
फ्रंट का जो लुक है, देखो लुक आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी मैं बता रहा हूँ, लुक आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो भाई हेडलाइट अगर अच्छी चाहिए तो थोड़ा सा लुक से कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। लेकिन अब देखते हैं कि किस तरीके से इसकी जो लाइट्स वगैरह वो कैसे जलते हैं, क्योंकि यार देखो हमें वीडियोज़ तो प्रोवाइड नहीं हो पाई, तो इस वजह से क्या है भाई आप लोगों को मेरा फेस ही दिख रहा होगा, तो कैम के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा था। अब अगर बात करी जाए तो देखो अब आ गया सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बाइक का भाई प्राइस कितना होने वाला है। तो दोस्तों ये जो बाइक है ना ऑल ओवर इंडिया आपको 2 लाख रुपए में मिलेगी, वो भी ऑन रोड प्राइस के ऊपर मैं बात करता हूँ। मैं कभी भी एक्चुअल आपने अगर मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर मतलब रेगुलर व्यूअर होगे तो आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा एक्सशोरूम की कभी बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ ऑन रोड की। तो दोस्तों ये जो बाइक है ना आप लोगों को 2 लाख के अंदर अंदर में आपको ये बाइक मिल जाएगी आराम से। 2 लाख का आपका बजट है ना तो 2 लाख के अंदर अंदर मिल जाएगी, चाहे वो 1,99,000 हो जाए या फिर आपको 1,80,000 की समथिंग मिल जाएगी। वैसे अगर मैं एक्सशोरूम की अगर पूछना चाह रहा हूँ तो चलो मैं बता देता हूँ, एक्सशोरूम की मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो एक्सशोरूम जो प्राइस होगा ना वो दोस्तों आपको आराम से मतलब 1,70,000-1,80,000 के आसपास का इसका एक शुरू मिल जाएगा। बाकी का ऊपर का जो जाता है वो आप लोगों को पता, चार्जेस वगैरह जो भी जाते हैं वो सब है। तो देखो ओवरऑल अगर आज के टाइम में मेरे से इस बाइक के बारे में पूछते हो क्या इस बाइक को परचेस करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से करिश्मा का फर्स्ट वर्जन और सेकंड वर्जन भाई सबसे ज़्यादा हिट रहा था, एक नंबर रहा था भाई, मज़ा लाने मतलब कहते ना बाइक इंडस्ट्री के अंदर एक बाइक जब आई थी तो करिश्मा ने भाई तहलका मचा रखा था। लेकिन वही था कि धीरे धीरे अलग हो गया, हीरो होंडा अलग हो गया, तो उस वजह से क्या वो थोड़ा सा नहीं रह पाया हीरो का मामला, थोड़ा सा करिश्मा का मामला नहीं रह पाया। लेकिन अब के टाइम पे अगर मैं बात बताऊं तो भाई इस टाइम पे आपको लिक्विड कूल इंजन भी मिल जाएगा, तो आपको टेंशन बिल्कुल बेफिक्र हो कि आप आज के टाइम पे इस बाइक को आराम से परचेज कर सकते हो। अगर मेरे पास ऑप्शन होता कि क्या मैं इस बाइक को परचेज करता, तो देखो अगर मैं आप लोगों को बताऊं जिस तरीके से मेरे न्यूज़ आई है, तो 2 लाख रुपये के ऑन रोड अगर ये बाइक मिल रही है आपको, 220cc की एक मोटरसाइकिल आपको मिल रही है जिसके अंदर 5 फीट गियर बॉक्स है, टॉप स्पीड भी इसकी 142 के समथिंग चली जाएगी, तो 142 के टॉप स्पीड के हिसाब से भाई ये बाइक में डेफिनेटली मैं इस बाइक को परचेस कर लेता। तो बाकी आप लोग कमेंट में बताओ कि कौन कौन लोग इस बाइक का वेट कर रहे हैं, और बाकी ओवरऑल देखा जाए तो देखो यार मेरे हिसाब से तो अच्छी है। बाकी आप लोग एक बारी मार्केट में जब भी बाइक कोई भी चीज़ परचेस करना तो बाइक बारी टेस्ट राइड जरूर लेना, अपने हिसाब से देखना, क्योंकि इसके अंदर आप लोग को एक चीज़ और मैं थोड़ा सा भूल गया था, मैं बता देता हूँ, इसके अंदर आपको क्लिप ऑन हैंडल बार भी मिल जाएंगे, क्लिप ऑन हैंडल बार भी मिल जाएंगे, फेयरिंग भी मिल जाएगी, मतलब कुल मिला के ये है ना ये बाइक आपको अच्छी लगने वाली है, मतलब आई कैची लगने वाली है। अब देखते हैं बाइक बाकी की जैसे कि मैंने एक फोटो देखी थी तो उसके अंदर रेड कलर में तो मुझे इतनी ज़्यादा खास नहीं लगी थी, मैं जेन्युइनली अपना बताऊँ तो रेड कलर में मुझे अच्छी लगी, लेकिन ब्लैक वगैरह कलर में आती है ना तो यार टहलका मचाती है। तो दोस्तों यही था हमारे इस वीडियो में, और बाकी यार बहुत दिनों के बाद मैं न्यूज़ की वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों को अगर न्यूज़ की वीडियो चाहिए तो भाई मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ भाई कि सर आप न्यूज़ वगैरह की भी वीडियो डाला करो, क्योंकि मैं बीच में न्यूज़ की वीडियो डाल रहा था, लेकिन क्या होता है ना कभी कभी न्यूज़ जब हम लोग डालते हैं ना तो वो क्या है थोड़ा सा अपने अपने हिसाब से रहता है, तो न्यूज़ कभी आती है कभी हम कहीं और बिजी होते हैं, क्योंकि न्यूज़ एकदम से आती है एकदम से वीडियो शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बाकी इसलिए आप लोगों के ऊपर ही आप लोग बताना कि कैसा रहता है। तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने आर के ऑटो सर्विस मॉडिफाई बैक दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, तो ओके।